दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मिंग गाइड में। मैं हूं आपका होस्ट संदीप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काले गेहूं के बारे में। ये जो आप काला गेहूं देख रहे हैं, ये हमारे फार्म का ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका रंग नॉर्मल गेहूं से बिल्कुल अलग है। वैसे इसमें कुछ नॉर्मल गेहूं के दाने भी मिक्स हैं, आप देख सकते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम इसमें मिक्स हो गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं काले गेहूं के बीज के बारे में। इसका बीज नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में तैयार किया गया है, और इसे तैयार करने में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की गई। इस बीज का ओरिजिनल सोर्स जापान का काला गेहूं है, जिसे इंडियन गेहूं के साथ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इस गेहूं का रंग काला है। उस पिगमेंट का नाम है एंथोसैनिन। एंथोसैनिन एक तरह से प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी मात्रा ही फलों और सब्जियों के रंग को निर्धारित करती है। ऐसे बहुत से फूड प्लांट्स हैं जिनमें एंथोसैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जामुन, चुकंदर, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, या ऐसे फल और सब्जियां जिनका रंग काला, नीला या जामुनी होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल गेहूं में एंथोसैनिन की मात्रा 5 ppm है, और काले गेहूं में 100 से 200 ppm के बीच में है, और इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सब की मात्रा नॉर्मल गेहूं से ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।